शिव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। पाप का सीमा से बढ़ जाना वास्तव में उसके अंत की घोषणा है। असत्य को देखकर कुछ समय तक तो ये लगता है कि इसका अंत असंभव है, परंतु यदि उसका अंत असंभव होता तो मानवता और सभ्यता उस मंजिल पर न पहुंच पाती जहां वो आज दिखाई दे रही है। हिरण्यकश्यप भी अपने परिणाम को पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उसे काफी छूट दी, पर जब वो अपने अहंकार और अत्याचार की सीमा पार कर गया तो उसके साथ वही किया जो पाप के साथ किया जाना चाहिए था। हिरण्यकश्यप का अंत प्रहलाद के कष्ट का अंत अवश्य था, परंतु क्या यह उसकी परीक्षाओं का भी अंत सिद्ध होगा? वो हिरण्यकश्यप का पुत्र है, पर उसे यह भी पता है कि आह्लाद उसका भ्राता है, और प्रहलाद जैसे न्यायप्रिय और सत्यवादी के लिए यह कैसे संभव है कि वो इस सत्य की अनदेखी कर दे कि बड़े भाई के होते छोटे भाई को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं। देखना यह है कि स्वयं आह्लाद ने अपने अनुभव से क्या सीखा है। असंभव अनुज, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मुझे खेद है मैं तुम्हारी इच्छा को ठुकरा रहा हूं, परंतु इसका मुझे हर्ष भी हो रहा है कि मैं अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुन रहा हूं। असुरलोक के सिंहासन पर तुम ही बैठोगे, असुरलोक के सम्राट तुम ही बनोगे अनुज। भ्राताश्री, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, पिताश्री के ज्येष्ठ पुत्र हैं। परंपरा यही है कि राजा की मृत्यु के उपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका स्थान लेता है। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मैं असुरलोक सम्राट का पुत्र हूँ। मैं तो यह समझता रहा कि मैं कामरूप नरेश का पुत्र हूँ। परंतु पुत्र, अब तो तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम ही मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, और पुत्र प्रहलाद के ज्येष्ठ भ्राता भी। अब तो तुम ही इस परिवार के बड़े हो। बड़ा आयु से नहीं बुद्धि से होता है, और मेरा अनुज बुद्धि में मुझसे आगे है, उसे महान है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, और ज्येष्ठ भ्राता के रहते छोटे भाई को युवराज बनने का अधिकार नहीं। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसे काले विषैले नाग ने डस लिया था। उसके मृत शरीर से जो जीवित शरीर उठा था वो तो तुम्हारे अनुयायी का, तुम्हारे श्रद्धालु का शरीर था, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का शरीर नहीं अनुज। परंतु पुत्र। नहीं माताश्री, ये एक ऐसा सत्य है जिसमें किंतु और परंतु के लिए कोई स्थान नहीं। सिंहासन के उत्तराधिकारी का चुनाव आयु नहीं योग्यता के आधार पर होना चाहिए। भ्राताश्री, असुरलोक की परंपरा निभाना भी हमारा धर्म है। परंपराएं हम बनाते हैं, यदि हम ही इन्हें बनाते हैं तो हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं। यदि असुरलोक वासियों ने यह परंपरा बनाई है तो लो, आज एक असुर उसे तोड़ भी रहा है। यदि तुम्हारा यही हट है कि मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ तो सुनो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, असुरलोक के सिंहासन पे विराजमान हो जाओ, असुरलोक का राजपाट संभालो। पुत्र, यह नहीं मानेगा। राज सिंहासन सोना नहीं रहना चाहिए। यदि पुत्र आह्लाद की यही इच्छा है तो जाओ,
और तुम ही मुकुट धारण करो। अब प्रजा अपने नए सम्राट को देखने के लिए व्याकुल हो रही है, इसे मेरा भी आदेश समझो पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र, मैं मां हूं, धरती मां। अधिकार प्राप्त करना जितना कठिन है, अपने अधिकार का त्याग करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी अधिक कठिन है। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर आह्लाद का ही अधिकार था, परंतु उसे याद था कि प्रहलाद ने उस पर क्या उपकार किया था, और वो जानता था कि प्रहलाद कितना महान है। इसलिए उसने अनुरोध किया कि प्रहलाद ही असुर लोक का सम्राट बने, और प्रहलाद ने भी राजा बनते ही सिद्ध कर दिया कि आह्लाद का त्याग अनुचित नहीं था। परंतु राजा बन जाना सरल है, पर इस महान पद की मर्यादा बनाए रखना कठिन है। प्रहलाद ने कई वर्ष बड़ी योग्यता से राजधर्म निभाया, पर उसकी परीक्षा की घड़ी अभी आनी शेष थी, और वो घड़ी आ ही गई। सावधान, सावधान, असुर कुलभूषण गयाधुनंदन प्रजावत्सल महान्यायवादी करुणामूर्ति महाराज प्रहलाद महारानी धृति समेत पधार रहे हैं। प्रणाम करता हूं भ्राताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राताश्री। सौभाग्यवती भव। भूखे शिशु को देखकर जिस प्रकार माता उसे दूध पिलाने दौड़ती है, सूखे पेड़ पौधों को देखकर माली जिस प्रकार जल लेकर दौड़ता है, उसी प्रकार यदि प्रजा के कष्टों का समाचार सुनकर राजा न दौड़ पड़े तो उसके राजा होने पर धिक्कार है। मेरे राज में अधर्म और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। भय और आतंक का युग समाप्त हो गया है। मेरे राज में राजनीति का धर्म होगा, किंतु धर्म की राजनीति नहीं होगी। दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज। देखिए अपने सैनिकों का अन्याय, मुझे व्यर्थ में सता रहे हैं, मुझसे मेरा नवजात शिशु छीन रहे हैं। सैनिकों, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना हत्या से भी गंभीर अपराध माना जाएगा, और यदि यह अपराध सिद्ध हो गया तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। हाँ महाराज, इन्हें प्राण दंड मिलना ही चाहिए। महाराज, हमने ये बच्चा नहीं छीना है, ये स्त्री इस स्त्री से बच्चा छीनने का प्रयास कर रही थी। हाँ महाराज। ये दूसरी स्त्री कौन है? महाराज, ये मेरा बच्चा चुरा कर लिए जा रही थी, तब मैंने इसे पकड़ा। स्त्री तो माता होती है, मात्र स्वरूपा होकर भी तुमने इस दुखियारी का नवजात शिशु चुराया? ये झूठ है महाराज, ये नवजात शिशु मेरा पुत्र है। क्या ये झूठ बोल रही है महाराज? नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। मैंने इस बालक को 9 महीने अपनी कोख में रखा है, मैंने इसे जन्म दिया है। महाराज, ये मेरा पुत्र है। नहीं महाराज, ये झूठी है, पांच है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, कृपा मुझे मेरा बच्चा दिलाइए, न्याय कीजिए महाराज।
आज आपके न्याय का डंका चारों ओर बज रहा है। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज, अब आपने इन दोनों पक्षों की बात सुन ली है। हम इन दोनों स्त्रियों को लड़ते देखकर इस शिशु और इनको ले आए हैं। महाराज, अब आप ही इनका न्याय कीजिए कि इन दोनों में इसकी वास्तविक माता कौन है। मौन क्यों धारण कर लिया महाराज? न्याय करने में विलंब क्यों? न्याय होगा। कल यहीं इसी सभागार में यह शिशु अपनी वास्तविक माता की गोद में होगा। तब तक इन दोनों देवियों को महिला संरक्षण गृह में रखा जाए और इस शिशु को राजमाता कयाधु के निरीक्षण में दे दिया जाए। माते, प्रणाम। माते। आयुष्मान भव पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भव। बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हो पुत्र। हाँ माते, और यदि आप आज सभागार में होती तो आपको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं जानबूझकर नहीं आई थी पुत्र। आप सत्य कहती हैं माताश्री, और आज वास्तव में मेरे लिए एक कड़ी परीक्षा का दिन है, और इस परीक्षा के लिए मुझे आपके परामर्श की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस संकट को बिना आपकी सहायता के मैं पार नहीं कर सकता माते। ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया है पुत्र? उस संकट का एक छोटा संकेत मैं आपकी सेवा में पहले ही भेज चुका हूँ माते। राजमाता, ये शिशु तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से आया है निरंतर रोए जा रहा है। यही तो है मेरा संकट माते, यही है मेरी परीक्षा। क्या समस्या है पुत्र? समस्या ये है माते कि इस शिशु के साथ दो स्त्रियां आई हैं, और प्रत्येक का कहना है कि वही इसकी माता है। अब ये शिशु स्वयं तो बता नहीं सकता कि इसकी माता कौन है, और मैं भी ये निर्णय लेने में असमर्थ हूं कि उन दोनों में से कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। यह तो बहुत सरल निर्णय है पुत्र। शिशु की भूख वास्तविकता का निर्णय कर देगी। इस शिशु को दोनों स्त्रियों के पास भेज दो। जो इसको अपना दूध पिलाकर शांत कर देगी वही उसकी माता हो। आपका परामर्श बहुत उत्तम है माते, परंतु जब आपने ही यह परामर्श दिया है तो मेरी विनती है कि शिशु को उन दोनों स्त्रियों के पास भी आप ही ले जाएं और देखें कि उन दोनों में से कौन इसे दूध पिलाती है। फिर तो यह निर्णय आप स्वयं कर देंगी कि शिशु की माता कौन है। असुर लोक सम्राट की यही सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। चलो। अब माता इस समस्या का समाधान अवश्य कर देंगी। क्या हुआ, क्या हुआ? चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा मेरे चंदा। शिशु भूख से व्याकुल है, न जाने कब से उसे दूध नहीं मिला। यदि तुम इसकी माता हो तो फिर उसे दूध पिलाकर शांत करो ना। हाँ महारानी, अवश्य। मेरा लाल भूख से बिलख रहा है। हो ना हो, शिशु की माता यही है। सत्य है महारानी। क्यों महारानी,
ऐसा किस आधार पर कह रही हैं आप? देख नहीं रही हो, भूखा शिशु कितने प्यार से इसका दूध पी रहा है। क्या यह इसका प्रमाण नहीं कि यही इसकी माता है? ये तो अन्याय है महारानी। क्यों? आपने स्वयं देखा कि बालक भूख से बिलख रहा था। यदि इस अवस्था में कोई भी स्त्री उसे दूध पिलाती तो वह पीने लगता। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, यदि दूध पिलाना ही माता होने का प्रमाण है तो फिर मुझे भी अवसर दिया जाए। यदि यह मेरा बच्चा है तो मेरा दूध भी पी लेगा। ठीक है, तुम्हें भी अवसर दिया जाएगा। इस शिशु को इस महिला की गोद में दे दिया जाए। जो आज्ञा महारानी। लाओ शिशु मुझे दे दो। माते, क्या हुआ माते? हो गया निर्णय? किसने दूध पिलाया शिशु को? क्या आपने जान लिया कि शिशु की माता कौन है? नहीं पुत्र, मैं स्वयं दुविधा में पड़ गई। मैं समझा नहीं माते। मैं शिशु को लेकर दोनों स्त्रियों के पास पहुंची। यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि शिशु ने बारी बारी दोनों का दूध पिया। वह बहुत भूखा था, उसकी भूख तो मिट गई, परंतु मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि शिशु की वास्तविक माता कौन है। शिशु को दूध पिलाने की कसौटी पर दोनों ही पूरी उतरी। यदि मेरे विष्णु मेरी परीक्षा इसी प्रकार लेना चाहते हैं तो यही सही। लगता है मेरे पुत्र की परीक्षा की श्रृंखला कभी समाप्त ही नहीं होगी। बेचारा उस समय से परीक्षा दे रहा है जब से माता के गर्भ में आया था, और उसी समय से हर तपस्या में वो सफल भी हो रहा है। जन्म से मृत्यु तक परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए। परंतु इस समय वो ऐसी परीक्षा दे रहा है जो उसके ज्ञान क्षेत्र से बाहर है। कहा तो स्त्री होकर नहीं पहचान पाई कि शिशु को दूध पिलाने वाली दो स्त्रियों में से वास्तविक माता कौन है। मेरा पुत्र तो पुरुष है, वो भी कैसे पहचान पाएगा? यही तो ज्ञान की कसौटी है महादेवी। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है। दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है, और एक राजा के लिए यह नितांत आवश्यक है। मुझे तो उलझन हो रही है कमल नयन। महादेवी, आप प्रह्लाद की चिंतन शक्ति पर विश्वास कीजिए। देखिए तो सही कि प्रह्लाद में इन परिस्थितियों से निपटने की कितनी क्षमता है। तो तुम दोनों अब भी यही कहती हो कि तुम ही शिशु की माता हो और दूसरी झूठी है। मैं इस स्त्री के विषय में नहीं जानती, पर ये शिशु मेरा पुत्र है, ये स्त्री झूठी है। और तुम क्या कहती हो? महाराज, ये दुर्भाग्य है
कि एक माता को अपना मातृत्व सिद्ध करना पड़े, पर मैंने इस शिशु को जन्म दिया है। महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निर्णय करने में देर क्यों हो रही है। राजमाता स्वयं देख चुकी हैं कि शिशु ने मेरा दूध पिया था, अब और अधिक प्रमाण की क्या आवश्यकता है। स्त्री, शिशु ने दूध इसका भी पिया था। आप स्वयं माता है महारानी, आप तो जानती हैं कि भूख में शिशु की क्या दशा होती है। शिशु न जाने कब से भूखा था, इसलिए हम दोनों का दूध पी गए। सभी सभासद ध्यान दें, इस विवाद का अंत अब हो ही जाना चाहिए। न्याय में विलंब अन्याय होता है। इस विवाद को हर ढंग से जांचने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह निर्णय करना कठिन ही नहीं असंभव है कि इन दो नारियों में इस शिशु की वास्तविक माता कौन है और यह शिशु किसको दिया जाए। अब केवल एक ही उपाय रह गया है। सेनापति, आज्ञा सुलोक सम्राट। वधिक को बुलाया जाए। आज्ञा सम्राट, सेवक उपस्थित है। क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि शिशु की वास्तविक माता कौन है, मेरा निर्णय है कि शिशु के शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाएं, आधा एक को और आधा दूसरी को दे दिया जाए। वधिक, इस शिशु के दो टुकड़े कर दो। जो आज्ञा। नहीं, लाओ शिशु। नहीं 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 महाराज, नहीं, इस शिशु के दो टुकड़े न कीजिए। ये शिशु इस स्त्री को ही दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए शिशु। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस शिशु को इसे ही दे दीजिए। देख लिया महाराज, सत्य सामने आ ही गया। मैं ना कहती थी, यह शिशु मेरा है, इसकी माँ मैं हूँ। यह स्त्री तो झूठी है। झूठी वो नहीं, झूठी तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं, अब तो सिद्ध भी हो गया है। हाँ, सिद्ध हो गया। तुमने स्वयं सिद्ध कर दिया कि तुम इस शिशु की माता नहीं हो। तुमने इसे जन्म नहीं दिया है। संसार की कोई माता यह सहन नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसके शिशु के दो टुकड़े कर दिए जाएं। यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में प्रलय आ जाएगी। जिसने जन्म दिया हो वो तो अपने शिशु की हत्या पर धरती आकाश एक कर देगी। जब इस महिला ने रोकर कहा कि शिशु के दो टुकड़े न किए जाएं, उसी समय सभी की अंतरात्मा पुकार उठी, मां न होती तो इस दुष्टा की भांति इस शिशु का एक टुकड़ा लेकर संतोष कर लेती, चुप बैठ जाती। मेरा निर्णय यह है कि इस शिशु को इसकी वास्तविक माता को दे दिया जाए। और इस झूठी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। वधिक, हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो व्यक्त कर दो, पूरी की जाएगी। कोई इच्छा नहीं महाराज, मृत्यु ही मेरी पहली और अंतिम इच्छा थी, सब पूरी हो रही है। क्या कहना चाहती हो तुम? यह वधिक मेरा वध नहीं करेगा तो मेरा पति मेरा वध कर देगा। क्यों,
ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने? महारानी, जब मैं गर्भवती थी उसी समय मेरे पति ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसे केवल पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं। जब मैं शिशु को जन्म देने के लिए मायके चली तो उसने फिर कहा कि यदि मैं पुत्र को लेकर उसके घर लौटी तो वह मेरा वध कर देगा। फिर क्या राजमाता, मेरे भाग्य में पुत्री को जन्म देना लिखा था। मैंने कन्या को जन्म दिया। मैं जान गई कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। यह अबला मेरी पड़ोसन थी, इसने बालक को जन्म दिया था। मैंने अपनी पुत्री अपनी माता को सौंपी और इसका पुत्र लेकर भागना चाहा। महाराज, इस वधी को आदेश दीजिए कि मेरी दुखद कहानी का अंत कर दे। अपराधी ये नहीं, वास्तविक अपराधी तो इसका पति है। नहीं देवी, वास्तविक अपराधी ये समाज है जो बालक को कन्या पर प्राथमिकता देता है। वो विचारधारा है जो पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझती है। धिक्कार है उस समाज को जो इतना भी नहीं समझता कि यदि कन्याओं को समाप्त किया जाता रहा तो ये संसार और जीवन का अंत हो जाएगा। धिक्कार है उस समाज को जो ये भी नहीं समझता कि आज की कन्या कल की माता है। धिक्कार है उस विचारधारा को जिसे इतना भी ज्ञात नहीं कि नारी संसार के शिखर पर विराजमान है। उसी से संसार बसता है और संसार चलता है। पुत्र और पुत्री में अंतर करने वाले राष्ट्र के विद्रोही हैं, सभ्यता के विद्रोही हैं, धर्म के बैरी हैं। इस दुखियारी महिला को मैं क्षमा प्रदान करता हूं। क्या लाभ महाराज, मेरा पति मुझे कन्या को जन्म देने के कारण जीवित नहीं छोड़ेगा। सेनापति, आज्ञा सम्राट। इस नारी को इसकी पुत्री सहित इसके पति के घर पहुंचाया जाए और इसके पति को हमारी ओर से चेतावनी दी जाए कि यदि उसने अपनी पत्नी या पुत्री को तनिक भी कष्ट पहुंचाया तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। सम्राट प्रह्लाद की, सम्राट प्रह्लाद की, सम्राट प्रह्लाद की। आज तो चमत्कार हो गया कमलनयन, आपने सच कहा था। प्रह्लाद ने पुत्रवधु धृति की प्रतिक्रिया को कसौटी बनाकर उचित निर्णय दिया। महादेवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है। आपके पुत्र प्रह्लाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया, तभी उसका विवेक जागा। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। परंतु मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि प्रह्लाद जैसे कोमल स्वभाव और करुणा भरा हृदय रखने वाले ने मृत्युदंड दे कैसे दिया, और वो भी एक नारी को। इसका सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी, और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वार्थी और दुर्गुणी क्यों न दिखाई दें, परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है। नीति शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। ये तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी, जो आपका पुत्र प्रह्लाद राजा का दायित्व निभा पाया। परंतु मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। आपकी चिंता? भला आपको क्या चिंता है? महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी, कि प्रह्लाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है, देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। हाँ महादेवी, प्रह्लाद की एक परीक्षा ये भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है।
क्योंकि पुत्र मोह संसार की सबसे कठिन परीक्षा है। मां हूं धरती मां। भगवान श्री विष्णु ने जब माता लक्ष्मी से कहा कि यदि नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के यश संभालने के लिए स्वयं भी उन परंपराओं का पालन करना पड़ता है जिनके कारण पिछली पीढ़ी को यश प्राप्त हुआ था, तो मैं समझ गई कि प्रहलाद की कथा में कोई नया और रोमांचक मोड़ आने वाला है जिसका संबंध उसके पुत्र से है। महाराज बनने के उपरांत प्रहलाद की न्याय प्रियता की धाक बैठ चुकी थी। हर ओर उसके न्याय की चर्चा थी। महारानी धृति ने उसे 3 सुंदर पुत्र दिए जिनमें सबसे बड़ा पुत्र विरोचन था। यशस्वी भव पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव पौत्र। पिताश्री, मुझे आपका आदेश मिला कि आप मुझसे इसी समय मिलना चाहते हैं। क्या कोई सेवा है मेरी योग्य? आज्ञा दीजिए। राजमाता से परामर्श के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हें युवराज घोषित करने का समय आ गया है। पिताश्री, ईश्वर आपको लंबी आयु दे और मेरे सिर पर आपकी छत्रछाया बनाए रखे। किंतु इतनी शीघ्रता की क्या आवश्यकता है? मैं आपका पुत्र हूं, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आप जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति इस असुर लोक का सम्राट है, यह समस्त असुर लोक का सौभाग्य है पिताश्री। ये तुम्हारे आज्ञाकारी और विनम्र होने का प्रमाण है। किंतु जैसे राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वैसे ही युवराज राजा का प्रतिनिधि है। युवराज हो तो प्रजा को यह विश्वास रहता है कि किसी कारणवश यदि राज्य में राजा उपस्थित ना हो तो भी उसका कोई रक्षक, उसे न्याय दिलाने वाला उपस्थित है। मुझे अत्यंत हर्ष है कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें वो समस्त शिक्षा प्रदान की है जो एक राजा बनने के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए मैं तुम्हें युवराज घोषित करने में विलंब नहीं करना चाहता। पिताश्री, यदि आपका यही आदेश है और दादीश्री की भी यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चुक चुक जियो मेरे पौत्र। मैं जानती थी कि मेरा लाडला दुलारा पौत्र मेरी इच्छा का आदर करेगा। चुक चुक जियो मेरे लाल यशस्वी भव। तो जाओ, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर उनसे हमारी ओर से विनती करो कि तुम्हारे युवराज होने के समारोह का शुभ मुहूर्त बता दें, ताकि इस भव्य समारोह की तैयारियां की जा सके। जो आज्ञा पिताश्री। धृति शुभ समाचार को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होगी माते। अवश्य पुत्र। आइए माते। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम
यशस्वी भाव, तेजस्वी भाव। कोई विशेष समाचार लाए हो शिष्य? जी हाँ गुरुदेव, पिताश्री महाराज प्रहलाद ने मुझे युवराज घोषित करने की इच्छा व्यक्त की है। ये तो बहुत शुभ समाचार है शिष्य। अवश्य अब तुम युवराज पद ग्रहण करने के योग्य हो चुके हो। तुमने बहुत थोड़े समय में युद्ध शास्त्र और राजनीति में निपुणता प्राप्त कर ली है। ये सब आपके चरणों की देन है गुरुदेव। राजपुत्र युवराज का अंतर जानते हो शिष्य? इसका ज्ञान भी आप ही मुझे दे सकते हैं। राजपुत्र केवल राजा के अधिकारों की छत्र छाया में रहता है। युवराज के अपने अधिकार होते हैं। राजपुत्र कोई अधिकार राजा की इच्छा के बिना प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु युवराज अपने अधिकारों को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। युवराज बनते ही तुम्हें स्वयं को सामान्य से अलग, सामान्य से श्रेष्ठ सिद्ध करना होगा। स्मरण रहे, राजा लगना भी राजा होने की क्रिया का प्रधान अंग होता है। युवराज के निर्णय उसके अपने होते हैं, अपने बल पर होते हैं, अपनी शक्ति का प्रतीक होते हैं। मेरी शक्ति का स्रोत आप हैं गुरुदेव। मुझे जो भी शक्ति मिली है आप ही से मिली। हाँ शिष्य, मैंने तुमको वो सारी शक्ति दे दी है, वो समस्त ज्ञान दे दिया है जो मैंने अपने पुत्रों शंड और अमर को देने का निश्चय किया था। वे दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अब तुम ही मेरे शिष्य भी हो और पुत्र भी। मैं आपका आभारी हूं गुरुदेव। शिष्य विरोचन, युवराज राज का स्तंभ होता है। राजा के उपरांत ही नहीं, राजा के साथ ही युवराज पर राज का बोझ होता है। मेरी इच्छा है कि जितना शीघ्र संभव हो तुम प्रहलाद के कंधों का बोझ अपने शक्तिशाली कंधों पर ले लो। जाओ, मैं शुभ मुहूर्त निकालकर स्वयं महाराज प्रहलाद के पास जाऊंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान विष्णु, तुम्हारे भक्त प्रहलाद ने मुझसे मेरे पुत्र तो छीन लिए, पर उसे ज्ञात नहीं कि मैं अपनी हार तो स्वीकार कर सकता हूं पर उसे भूल नहीं सकता। तुम देखना कि विरोचन अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करता है। प्रहलाद ने जिस प्रकार मेरे पुत्रों से मुझे पराजित करवाया, ठीक उसी प्रकार अब मैं भी उसी के पुत्रों से उसे पराजित करूंगा। इसके लिए मैंने 30 वर्षों तक प्रतीक्षा की है। सो लग रही थी हृदय में बदले की जो आग, अवसर ने जब दी हवा आग उठी वो जाग। दैत्यों के गुरु देव ने हरि को दी ललकार, बदल सकेंगे